पूर्व प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की यात्रा को ही रद्द करवा दिया, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। क्योंकि सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जिसने हर बार संकट से उबारने के लिए पाकिस्तान को भारी भरकम कर्ज दिया। सलमान ने शहबाज शरीफ की यात्रा को ही रद्द करवा दिया। यही नहीं, उन्होंने शहबाज के बड़े भाई नवाज शरीफ से मिलने तक से भी इनकार कर दिया। मतलब रमजान के महीने में और ईद से पहले पाकिस्तान के दोस्त सऊदी अरब ने इसकी इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। और असल में शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ के साथ उमरा यानी धार्मिक यात्रा करने सऊदी अरब जाने वाले और उनके जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर सऊदी अरब ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी। और तो और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मिलने तक का समय नहीं दिया। इससे पहले फरवरी में तुर्की ने भी शहबाज शरीफ को अपने यहाँ बुलाने से मना कर दिया था। और ये तब हुआ था जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था और उसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। उस दौरान शहबाज शरीफ ने ढोल पीट कर दुनिया को ये बताया था कि वो तुर्की जाएंगे। उनके साथ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और एक लंबा चौड़ा प्रतिनिधि मंडल भी तुर्की जाने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर तुर्की ने शहबाज शरीफ को अपने यहाँ आने से मना कर दिया।